मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊँ। मैंने कसम से आज मैंने ना 6 दोस्तों के ना मैंने स्क्रीनिंग खाने पीने का सारा पैसा मेरा 28,000 का खर्चा लगा है। 28,000 भी चलो ठीक है लग गया, उसका नहीं दुख, दुख ये है कि मेरे सारे दोस्त इंडिया के साथ थे, मैं अकेला पाकिस्तान के साथ था और मेरी भरे मजमे में इतनी बेइज्जती हुई। वाह 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 मैडम मज़ा आ गया, क्या बात है। मैं कहता हूँ उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा जलील किया है, ऐसा जलील किया कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। मैं तो शुरू पहले दिन से इंडिया के साथ था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। हमारी टीम नहीं आ रही, पूरा पाकिस्तान हारा है, क्या कहेंगे? ये देखें हार, पाकिस्तान की हार बहुत सदमे का बायस है हमारे लिए। दरअसल हमारी टीम ही कम्प्लीट नहीं है, हमारी टीम में जो फ्रेंडशिप कल्चर है ये बहुत आम है। जो आपके कैप्टन का दोस्त है वो आपके स्क्वाड का हिस्सा है। इंडिया में खेल रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने ये ट्राई नहीं की कि आपने आप ऑडियंस भेजे? देखिए एक पूरा 1,30,000 बंदा बैठा है, वो सारा इंडिया को चैंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप किस तरह उसको सर्वाइव प्रेशर को लें। कसम से मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना मोबाइल अपने घर गिरवी रख के ना पैसे लेकर इंडिया जाऊँ, यहाँ से ना छनके ना लेकर जाके बैट इनसे छीन के ना इनके हाथ में छनकना पकड़ा दूँ और ना हैदराबाद अहमदाबाद में ना घूमें, बिरयानियाँ खाएं, इंजॉय करें। ये वर्ल्ड कप खेलने क्यों गए थे जब इनको पता कि हम लोग ने हार जाना? इंडिया इनका बाप है, बाबर आजम का, विराट कोहली बाबर आजम का बाप है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बड़ा कोई अफसोस नहीं है, कोई कुछ नहीं। बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ, जो भी है, पाकिस्तानी नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ, ठीक है ना, इंडियन हूँ मैं। मैंने मेरी टीम जीती है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इंडिया हमेशा स्ट्रॉन्ग था, हमें पता था, और अच्छा इंडिया इस वर्ल्ड कप में आया है वो अपने होम ग्राउंड में खेले, वो बहुत यूज़फुल थे, तो बैट तो नहीं लगाए थे, हमें पहले पता पाकिस्तान ने हार जाना, वही हुआ। अब्दुल मनान क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, खासकर पाकिस्तान की हार और इंडिया की जीत पर क्या कहेंगे? आज के दिन का सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंडिया से ये मैच हार गया है। सबसे पहले बात है ना इनको खेलने का तरीका है, ये पाकिस्तान की टीम अकेली टीम 11-12 प्लेयर नहीं गए, ये लोग ना करोड़ों लोगों का ना दिल साथ में लेकर गए हैं। इन लोगों ने इतनी घटिया परफॉर्मेंस की है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही यार, इन लोगों ने इतनी प्यारी टीम लेकर गए हैं, 2 मैच इतने प्यारे जीते हैं, वो बेशक हार जाते हैं 2 मैच जो जीते हैं इन लोगों ने। हमारे लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मैटर नहीं करती, हमारे लिए मैटर करता था इंडिया के मैच के साथ जीतना, वही जब हार गए तो हमें अब मेरा तो लिटरली मेरा दिल कर रहा है कि इनको मैं अपने बजट पर ना इनको मैं टिकट्स भेज के इनको मैं वापस बुला लूँ, कि यार इन लोगों ने कितनी पथेटिक परफॉर्मेंस की है। बॉलिंग इन लोगों ने क्या किया, चले बॉलिंग छोड़ें, बैटिंग पर तो कुछ कर लेते, बैटिंग पे भी नहीं लोगों ने कुछ किया, जो आ रहा है बोले बीट कर रहा है, आउट हो रहा है, जा रहा है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। पर्ची प्लेयर ये लोग साथ में ले जाते हैं, इन लोगों ने इतना लोगों का ना दिल तोड़ने पे रखा हुआ है। अच्छा मोस्टली लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, पहले ही डिसाइड हो गया हुआ था ये मैच कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिक्सिंग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान ने हरकत कर दी है ना इंडिया से हार के, ये इनको हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल के बाद एक वर्ल्ड कप आता है और मैच भी पाकिस्तान इंडिया का था जो पूरी दुनिया देखती है, और उसी के अंदर आपने परफॉर्म नहीं करना तो यार हमें ऐसा फिर वर्ल्ड कप ही नहीं चाहिए जिससे आप लोग इंडिया से हार जाओ। हम लोग आज तक इंडिया से कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीते, उम्मीद थी कि बाबर आजम की कैप्टनसी में इस बार जीत जाएंगे, लेकिन वो अकेला बैट्समैन क्या कर सकता है, बाबर आजम अकेला क्या कर सकता है, बाकी टीम किधर है, बाकी किसी भी प्लेयर ने परफॉर्म ही नहीं की है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग को उम्मीद लगाई होती है कि यार ये प्लेयर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोग जीत जाएंगे। मैंने कसम से आज मैंने ना 6 दोस्तों के ना मैंने स्क्रीनिंग खाने पीने का सारा पैसा मेरा 28,000 का खर्चा लगा है। 28,000 भी चलो ठीक है लग गया, उसका नहीं दुख, दुख ये है कि मेरे सारे दोस्त इंडिया के साथ थे, मैं अकेला पाकिस्तान के साथ था और मेरी भरे मजमे में इतनी बेइज्जती हुई है। इवन के मैं खुद सऊदी अरब से आया हूँ, मेरे काफ़ी इंडियन दोस्त है, वो मैंने अपना फ़ोन इस टाइम मैंने ऑफ कर दिया हुआ है, मेरी जितनी जलालत हो रही है उनके हाथों, वो कह रहे हैं कि भाई कहाँ का तुम्हारा बाबर आजम नंबर 1 रैंकिंग प्लेयर, उसने क्या किया है। इतनी बेइज्जती मेरी इंडिया के अंदर मेरे दोस्त कर रहे हैं ना, इतनी मेरी बेइज्जती कि मैं शर्म से मेरा दिल कर मैं डूब के मर जाऊँ कहीं ना कहीं जाकर। अब आपको लगता है कि आगे जो मैचेस होंगे उसमें क्या होने वाला है, पाकिस्तान आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है? आगे इन लोगों ने यही करना है कि पाकिस्तान आगे किसी ना किसी, आगे हमारा अगला मैच अब ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फिर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, ये 2 मैच इस तरह खेलेंगे जैसे इसी पे हमारा वर्ल्ड कप डिपेंड है। ओ भाई वो दोनों भी हार जाते, वो दोनों हार जो आज का तो जीत जाते यार, इस पे तो हमारी इज्जत थी, ये एक ही तो मैच था जो हम लोगों ने 5 साल इंडिया को जलील करना के था कि भाई
बाकी फॉर्मेट्स में तो जीत गए थे हमारे से, हार गए थे, जो भी था, लेकिन वर्ल्ड कप तो नहीं ना आप हमारे से जीते हो यार। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ना इस टाइम कसम से मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना मोबाइल अपने घर गिरवी रख के ना पैसे लेकर इंडिया जाऊँ, यहाँ से ना छन के ना लेकर जाके बैट इनसे छीन के ना इनके हाथ में छन के ना पकड़ा दूँ और ना हैदराबाद अहमदाबाद में ना घूमें, बिरयानियाँ खाएँ, इन्जॉय करें। ये वर्ल्ड कप खेलने क्यों गए थे जब इनको पता कि हम लोगों ने हार जाना है? ये नीयत से जाते हैं दूसरी टीम से जीतने के लिए, हमें हमारी नीयत है कि हम लोग इंडिया से जीते, क्योंकि हमारी इनसे राइवलरी कोई पीक लेवल वाली है जो दुनिया भर में हर किसी की नहीं है, जो हमारी इंडिया के साथ है। ये इंडिया से ही हार गए हैं, ये इंसान को अंदर से ही मार देते हैं पूरे। एक ना इंसान है इनका मैच देखे ना डिप्रेशन में चला जाता है। मेरा 28,000 का लॉस हुआ है, मैं मेरी ना तनख्वाह थी, पूरे महीने की तनख्वाह थी, मेरी सारी महीने की तनख्वाह गई। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड का एज और पाकिस्तान को उन विकेट्स का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़े अरसे के बाद इंडिया गई है, बल्कि कह लें कि पहली दफ़ा ही शायद ये टीम इंडिया गई है, तो इनको अंदाज़ा भी नहीं था वहाँ के पिचेस का। क्यों नहीं अंदाज़ा है? दो मैच इन लोगों ने वर्ल्ड कप के खेल लिए, दो इन लोगों ने प्रैक्टिस मैच के खेले, इनको और क्या अंदाज़ा लगाना है इन लोगों ने? चार मैच काफ़ी होते हैं एक पिच को समझने के लिए। और रही बात अगर इतने बड़े बड़े जो प्लेयर गए हैं ना, हमारे इफ्तिखार हो गया, शदाब या हसन अली हो गए, जितने भी सारे प्लेयर गए हैं, इन सबको इतना नॉलेज होना चाहिए कि पिच कैसी है और क्या होना है, बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है, इनको कुछ समझ नहीं लग रही है। ना हमारा शहीन की बॉल इतनी स्पिन होकर निकल रही है, ना किसी की निकल रही है। उनका बुमराह देख लो, छोटा लाइनअप लेकर आता है लेकिन बॉल यहाँ पर फेंकते गिरती वहाँ पर जाकर। इनसे क्यों नहीं हो रही? ये ट्रेनिंग किस चीज़ की लेते हैं? ये पैसे किस चीज़ के लेते हैं? 45 लाख रुपया लेता है ये अपना शहीन, ए स्टार प्लेयर होके 45 लाख कहाँ से जा रहा है? हमारे टैक्सेस से जा रहा है। अगर तुम्हें ज़्यादा फैसिलिटीज चाहिए तो जहाँ पे हम लोग 20% टैक्स देते हैं, हम लोग 100% देने के लिए तैयार है। यार थोड़ी उम्मीद जगाओ, थोड़ी गैरत लेकर आओ। शादी करके लोग खेलने चले जाते हैं, मेरे लिए समझ लगती है ये इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले शादियाँ करवाते क्यों हैं? शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आवाम की फीलिंग्स? आवाम के पैसे से तो इनको तनख्वाह मिलती है, और आवाम को ये डिसअपॉइंट करते तो फिर आवाम जाए किधर? मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं, ऐसा मुकाम है। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से इस दिन का? सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था पाक भारत टाकरा देखने का इंतजार था, वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। हमें पता था इंडिया जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा, वही हुआ, क्या कहेंगे? वाह 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 मैडम, मजा आ गया, क्या बात है। मैं कहता हूँ उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा जलील किया कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। मैं तो शुरू पहले दिन से इंडिया के साथ था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। देखें पाकिस्तानी टीम जो उधर गई हुई है, उनके प्लेयर्स देखें, इनको पूरी टीम इनकी पूरी नहीं होती तो इन्होंने मैच जीतने हैं, वो भी इंडिया से। इंडिया इनका बाप है, बाबर आजम का, विराट कोहली बाबर आजम का बाप है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बड़ा कोई अफसोस नहीं है, कोई कुछ नहीं। बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ, जो भी है, पाकिस्तानी नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ, ठीक है ना, इंडियन हूँ मैं। मैंने मेरी टीम जीती है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया। मैडम मैं तो पाकिस्तानी टीम को यही कहूँगा, पाकिस्तानी टीम स्पेशली बाबर आजम, तुम ये मेरी बात शायद देख रहे होगे या सुन रहे होगे, तो वापस पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली जो आपके अबू जान हैं, उनसे थोड़ी सी क्लासेस वगैरह लें, प्री क्लासेस लें उनसे, और फिर ताकि आप हमारी पाकिस्तानी टीम भी जीत सके, अदरवाइज़ तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसा नामुमकिन है पाकिस्तान का इंडिया से जीतना। मैडम समझ नहीं आ रही कि आपको पाकिस्तान के हारने पर गुस्सा है या इंडिया के जीतने पर खुशी है? इंडिया के जीतने पर खुशी है मैडम मुझे, पाकिस्तान के हारने पर कोई दुख नहीं है। देखें पाकिस्तानी को जीत भी जाते तो इन्होंने एंड पे हारना ही था। अच्छा। इंडिया अगर अभी जीता तो उन्होंने एंड पे भी जीतना ही, और इंशाल्लाह जीतेगा इंडिया, वर्ल्ड कप विन करके जाएगा इंडिया। आपको पहले से पता था ये मैच इंडिया ही जीतेगा? जी मुझे पहले से पता था, मुझे तो वर्ल्ड कप का पता है, वर्ल्ड कप इंडिया का है। आप आज के मैच में सपोर्ट भी इंडिया को कर रहे हैं? जी मैं पहली बॉल से लेके एंड बॉल तक मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया, इनके साथ इनको धोया है, मजा आ गया, चस आ गई है। अच्छा तो मैच आपने देखा कहाँ? मैच मैंने ये पीछे कोयटा टी हाउस कैफे है, इसकी अंदर मैं बैठा हुआ था, मैंने स्क्रीन में देखा, और अभी वो आपको ही देख के मैं बाहर आया हूँ। लोगों ने आपको जूते नहीं मारे कि आप पाकिस्तान की बजाय इंडिया को सपोर्ट करें? ओ मैडम इनको क्यों जूते मुझे मार सकता है कोई? है इतना कोई इनको सपोर्ट मेरे सामने आया कोई इसका सपोर्टर है बाबर आजम का? कोई नसीम शाह जो भी, वसीम शाह जो भी हैं, मुझे तो उनके नाम नहीं सही इतना पता। देखें पाकिस्तानी हो गए जिनको अपने प्लेयर्स का नाम ही नहीं पता, तो उनकी टीम की कैसी होएगी? अगर अच्छे जिस तरह विराट कोहली है, बच्चे को इंडिया के पता है विराट कोहली है, क्यों? क्योंकि वो जब छक्के मारता है तो लग समझ आती है। बाबर आजम ओडी को देख के साइकोपन करता है सिर्फ, लेकिन उसको खेलने के जाओ तो दो बॉलों पर आउट होकर बैठ आ जाता है। अब वर्ल्ड कप तक आपको लगता है इसके फाइनल तक हमारी टीम जाएगी कि नहीं? ओ नहीं मैडम ये किधर ख्वाब है, ये तो दुआएं ही हैं, दुआएं से भी नहीं इनको फर्क पड़ना, बगैरत हो गए हो यहाँ ये,
बाबर आजम तुम तो हो ही बगैरत, ये कुछ भी नहीं कर सकते मैडम, मैं आपको सीटर साहब बात बात बार बता रहा हूँ। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम। डिसरिस्पेक्ट नहीं मैडम, आप क्या उनको सपोर्ट कर रही हैं? नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं मैडम बनता ही नहीं सपोर्ट करना, सपोर्ट क्या करना है आपने? देखिए अगर बनता है, एक बंदा डिजर्व करता है ना सपोर्ट उसको किया जाए तो फिर समझ आती है, जब एक बंदा डिजर्व ही नहीं करता कि मुझे सपोर्ट करो तो फिर हम क्यों पागल हैं हम उनको सपोर्ट करें। मैडम देखिए मैंने, आप मुझे कह रही हैं कि आप उनको जलील कर रहे हो या इनको इनकी बिस्ती कर रहे हो, तो मैं इनकी कैसी बिस्ती कर रहा हूँ? इन्होंने हमारी पाकिस्तानी अवाम 27 करोड़ जो हमारी अवाम है उनको जलील करा दिया इंडिया के सामने, कि ये लो जी ये तुम्हारी औकात है और ये तुम्हारे प्लेयर्स की औकात है, कि ये लोग हार गए, हम एक मैच हार गए हैं, इंशाल्लाह आने वाले मैच भी हम हार ही जाएंगे। देखिए मैडम साफ सी बात है, इंडिया इज़ गुड, विराट कोहली बहुत अच्छा लगा, तुम खेले हो, मज़ा आया देख के, तुम्हारी बैटिंग बॉलिंग सारा कुछ बहुत अच्छा लगा, दिल से आई लव यू। क्या कहेंगे, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी आज हमें कि 7 साल के बाद हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जा रही है खेलने के लिए, और आज के ही दिन का इंतज़ार था कि पाक भारत टाकरा होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब पाक भारत टाकरा होगा सही वर्ल्ड कप उसी दिन शुरू होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि पाकिस्तान आज इंडिया से हार गया है, और सिर्फ हमारी टीम नहीं आ रही, पूरा पाकिस्तान हारा है। क्या कहेंगे? ये देखें हार, पाकिस्तान की हार बहुत सदमे का बायस है हमारे लिए, दरअसल हमारी टीम ही कम्प्लीट नहीं है, हमारी टीम में जो फ्रेंडशिप कल्चर है ये बहुत आम है, जो आपके कैप्टन का दोस्त है वो आपके स्क्वाड का हिस्सा है। अब इमाद वसीम जो बेहतरीन ऑलराउंडर है ओडीआई में, ओडीआई क्रिकेट में उसका एक मतलब कि बहुत बड़ा नाम है, और उसको ही आपने टीम में नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो हमारे कैप्टन का दोस्त नहीं है। ये फ्रेंडशिप कल्चर की वजह से हमें बहुत लॉस हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसी वजह से हम इतना बड़ा टागड़ा और कहते हैं कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री का या क्रिकेट हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान इंडिया की मैच की है, और हमें यही आज लॉस देखना पड़ा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया इस पर, और इसमें बहुत सी फ्लॉज हैं, इसमें हमारी कैप्टनसी की फ्लॉज हैं, लेकिन एट द एंड बस हम क्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे, कितना दुख हो रहा है, कितना दिल टूटा है आज पाकिस्तान की इस हार पर, मुझे आपके जज्बात सुनने। जज्बात तो हमारे सारे उड़ गए हैं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप देखें जिन प्लेयर्स को ये टीम में नहीं खिला रहे वो बाहर जाके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बांग्लादेश लीक हो रही है, श्रीलंकन लीक हो रही है, वहाँ जाके वो सेंचुरीज मार रहे हैं, साई मयूब है, मोहम्मद आमिर विकेट्स ले रहा है, इमाद वसीम है, कैप्टन है वहाँ टीम का, तो मैं यही मेरा ये सवाल है सबसे कि वो इमाद वसीम आखिर क्यों नहीं टीम में, मोहम्मद आमिर क्यों नहीं है? अगर वो क्या नाम है नसीम शाह चला गया है, अगर हमारे पास शहीन हो, आमिर हमारे पास स्टार्टअप हो, तो हम कैसे मैच हारें? हम एटलीस्ट इनको ये सोचना तो चाहिए ना, ठीक है हम आवाम भाड़ में जाए, जहाँ मर्जी जाए, आवाम रोए मरे। आप यकीन माने कि नीदरलैंड के जो मैच हुआ है उसमें हमारे सारों के दिल मुंह में आए हुए थे, तो हम अगर नीदरलैंड जैसी टीम से अगर हम हारेंगे उसमें हम मैच फंस जाता है, तो फिर हमारा तो इंडिया टीम ही उसके 8 खिलाड़ी खेलने वाले हैं इंडिया के, तो आप बताएं कि हम किसी से मैच कैसे जीतेंगे? इंडिया में जाके अगर हम परफॉर्म ही नहीं करेंगे, एक वहाँ पर एक पिच है वो आप देखें, विराट उसको देख लें, रोहित शर्मा को, वो हाफ हाफ पिच पर आके शॉटें खेल रहा है, हमारे प्लेयर डाल डाल के कभी सिंगल ले रहे हैं 20 ओवर में, इनके नहीं है, इन्होंने क्या खेलना है, बिरयानियाँ खाते हैं, ये पेड़ खा रहे हैं, इन्होंने पेड़ निकाले हुए हैं। नो डाउट हसन अली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उसने बहुत अच्छा कम बैक किया है, नो डाउट, लेकिन इनको सारे प्लेयर्स पे रखना चाहिए, किसी को ये टीम से उठा के बाहर निकाल रहे हैं, इनका जो मूड होता है ये वो करते हैं टीम। अब साउथ शकील देख रहे हैं, ठीक है कुछ अच्छे कम बैक किए हैं इन्होंने, अब्दुल्ला शफीक को खिलाते ही नहीं थे, ये क्यों नहीं खिलाते थे? फखर जमान फॉर्म में नहीं है, अब उसको बाहर बिठाएं, क्या ज़रूरी क्या है इसका खेलना? आप देखें अब्दुल्ला शफीक को आपने मौका दिया, उसने 108-10 रन की इनिंग खेली है, क्या कमाल ही खेली है उसने, तो हमारी अपनी उसमें एक टीम में इतनी फ्रेंड जोन है हमारा कि हम उससे बाहर ही नहीं आ सकते। क्या अब इस टीम के साथ क्या करना चाहिए? इस टीम के साथ करना चाहिए कि ये सारा जो सिलेक्टिव माहौल है, एक बाइसनेस क्रिएट की हुई है उन्होंने, वो बाइसनेस ख़त्म करें। बाबर आजम एक बहुत अच्छा कप्तान है, उसको सारों को इवन इग्नोर करके अपना स्ट्रेटजी उसको दिखाए, जो वो पहले मैचों में दिखाता रहा, इंडिया से हमने देखें वही इंडिया है जिसको हमने T20 में पूरा 156 रन आई थिंक थे, 52 थे जितने भी थे, तो उसमें हमने अपना ओपनर के साथ जीते हैं। टीम है जिसको हमने चैंपियंस लीग के फाइनल में हराया था, और आज यही टीम आ गई है, और हम इनसे बहुत ही मतलब इसमें वजह क्या है, हमारे पेट बाहर निकले हुए हैं। आप देख लें, आप थाइस की बात कर लें, अगर फॉर एग्जांपल आप यूरोपियन प्लेयर्स की, जो ये यूके के प्लेयर्स हैं, सॉरी इंग्लैंड टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, उनकी थाइस देखें आप, हमारी थाइस देखें, उनकी थाइस देखें, तो फ़र्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। हम तो परेशान हैं, यकीन माने मैं तो मैच नहीं देख रहा कि जो इतना हमने करना है इससे अच्छा कि ना ही करें। प्योर जज्बात आपके सामने करें तो आप शायद इसको ऑन एयर ना कर सकें। आप बोले हम ऑन एयर करेंगे, बोले आप नहीं, वो बस अब इसमें हम क्या कहें, कुछ तरह
स्क्रीन के भी कोई रेगुलेशन होते हैं, कोई कैमरा आपको ना पड़ जाए। हम नहीं, नहीं, आप बोलें, आप बोलें। ये बहुत बुरी चीज़ है, हम एक अजीब से जीता हुआ मैच ही हार गए हैं। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ज़रा कंट्रोल में रह के आपसे बात कर रहे हैं, आप बताएं ना, मैं सुनना चाह रही हूँ। नहीं, ज़रा मुनासिब नहीं लगता। हॉस्टल में बोल रहे थे आप? हॉस्टल में बोल रहे थे? हॉस्टल में तो ज़रा गलम गलोच तक बात चली गई थी, लेकिन वैसे यार बड़ा डिसअपॉइंट है। वो एक सेपरेट पॉइंट है कि पाके तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, वो डेफिनेटली है, बाबर से प्यार है, हमें पूरी टीम से प्यार है, लेकिन एटलीस्ट हमारी तो इमोशंस के साथ ना खेलो। अब आपको क्या पता, यकीन माने कि नीदरलैंड के मैच में मुझे बिल्कुल नज़र नहीं था कि इतना हम गंदा खेलेंगे। एक एक बाल भी हमारा दिल मुँह में आया हुआ था, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जोन है, सारे हम मैच देख रहे थे और हम बिल्कुल एक ना हमारे रूम में खामोशी थी कि यार अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, अब ये कब क्या कर देंगे। और बाबर आजम को आप देखें, उसकी बड़ी हाइप थी कि वो कुछ करेगा, उसको हम कोहली के बराबर लेके आते हैं, उसका कोहली से कंपैरिजन करते हैं। और लेकिन अब नैदरलैंड्स का मैच देख लें, जो लास्ट हमारा गालबन इंडिया से पहले किसके साथ, श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ मैच, उसमें उसकी परफॉर्मेंस देख लें, 10 स्कोर मारे हैं 15 स्कोर मारे हैं, उसके बाद जाके आउट हो गए हैं ये साहब। इनकी तो अगर हमारी अगर टीम में ये चल रहा है कि बाबर की बैटिंग, अगर बाबर आउट तो सारी टीम खत्म, तो ये चेंज होना चाहिए। आप देख लें, हमें हमारे दो प्लेयर आउट हो जाएं, पीछे लाइनें लग जाती हैं और उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि हमारी टीम कोई अच्छा जाएगी। श्रीलंका के मैच में क्या हुआ है, हमने मैच देखना छोड़ दिया, टीवी ऑन किया थोड़ी देर बाद तो चलो जी ठीक है, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान कितना खेलेगा, शाहीन अफरीदी कितना खेलेगा, बाबर आजम कितना खेलेगा? एटलीस्ट बाबर आजम को भी रेस्ट देना चाहिए, ये नहीं कि हर मैच में खेली जाए, शाहीन खेली जाए। एटलीस्ट हमारे पास काफ़ी हमारे पास टैलेंट है, प्लेयर्स हैं, उनको लेके आए ताकि ये सारों की एक लाइट से हम कह सकते हैं कि बक बक ख़त्म हो जाए, कि जो ये लोग बोली जा रहे हैं टीवी पे बैठ के, हाँ वो ऐसे है, बाबर फ्रेंड जोन है। अगर ठीक है फ्रेंड जोन है, लेकिन अब हसन अली आया है, उसने अच्छा कमबैक किया है, उसने 4 विकेट्स लिए हैं श्रीलंका के मैच में, तो ये हमें ज़रा इस पर स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए, बाबर आजम को स्पेशली। अब ठीक है, लोग कहते हैं कि इंजमाम उलहक का चहिता है, इमाम उलहक या वट एवर जो भी, उसको आना चाहिए, इनको एक फेवरेटिज़म से हट के एक टीम बनानी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। तो ठीक है, उनको डेफिनेटली दुख होता है कि हम ग्राउंड के अंदर मैच हार गए हैं, वो रोते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं आवाम क्या कर रही है। हम यहाँ पर लड़ने के कुर्सियाँ तोड़ रहे होते हैं बैठ के, अगर हमारा एक आउट हो जाए गलती से। तो बाबर आजम की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है, हीरो वो है डेफिनेटली है, वो हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? आज के मैच का दुनिया भर को इंतज़ार था कि 14 को पाक भारत टाकरा देखने को मिलेगा, और बड़ी उम्मीदें थी हमें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का मैच हम इंडिया से हार गए हैं। देखिए, ये तो एशिया कप से चल रहा था, एशिया कप से जिस इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, और जिस तरह बार बार पाकिस्तान की मैनेजमेंट चेंज हो रही थी, पहले नजम साहब थे, फिर जकर साहब सब आए, तो जब इस तरह के लोग बार बार चेंज होते हैं, मैनेजमेंट चेंज होती है, उसका इफेक्ट टीम पे होता है। तो ऑलरेडी एशिया कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी, ना बॉलिंग क्लिक हो रही थी, इंडियन पिचेज वैसे हैं तो बैटिंग पिचेज, लेकिन बाकी टीम्स भी तो कम्पीट कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने 199 पे आउट किया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। आपस में लग रहा है कि कैसे कोई कम्बिनेशन होकर नहीं खेला, सब सेल्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, सेल्फिश क्रिकेट हो रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कभी आप देखें, आप जब वर्ल्ड कप के आते हैं तो आप 3 साल पहले एक टीम तैयार करते हैं, आप एक मैच से कोई और टीम खिला रहे हैं, दूसरे में आप कोई और टीम खिला रहे हैं, तो जब आप इस तरह चेंजिंग करेंगे तो कोई भी खिलाड़ी परफेक्टली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आज की हार का मलबा आप किसके सर पर डाल रहे हैं? मैं पूरी मैनेजमेंट पर डालूंगा। सबसे पहले देखें, आप इंडिया में खेल रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने ये ट्राई नहीं की कि आपने आप ऑडियंस भेजें। देखिए, एक पूरा 1,30,000 बंदा बैठा, वो सारा इंडिया को चैंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप किस तरह उसको सर्वाइव प्रेशर को लें। सेकेंडली, फिर आप टीम चेंज कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता आपने कौन से खिलाने, कौन से नहीं खिलाने, किस टाइम नंबर पे किसको खिलाना है। तो मेरे ख्याल टोटल जो मैनेजमेंट थी ओवरऑल वो हिली हुई थी, जिससे पाकिस्तान का इतना बुरा रिजल्ट आया, और यही उम्मीद थी हमें। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार है, टीवी टूट रहे हैं, लोगों के दिल टूट रहे हैं, आप कितने दुखी हैं? बिल्कुल सैडनेस तो होती है। देखिए, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट होता है और बहुत सालों बाद आता है, इंडिया की बात नहीं, इंडिया से जाहिर सी बात हमेशा हमारा जो टाकरा हमेशा अच्छा रहा है। हाँ, कुछ T20 में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद से इंडिया ने ऐसा टेक ओवर किया है, और इंडिया को इंडिया जाके हराना एक बहुत बड़ा हमारा ख्वाब था, क्योंकि आफ्टर 6-7 साल हम लोग जा रहे थे, बाद 8 साल बाद, तो ये ख्वाब था कि इंडिया में इंडिया को हराएं, तो ये वो फीलिंग उन्होंने हमसे छीन लिया। अभी दोबारा कभी मौका आया कि ना आए दोबारा, इसका गम तो रहेगा हमेशा। आपने कोई मतलब बैट वगैरह लगाई थी इस मैच पर? नहीं, बैट तो नहीं थी, लेकिन ये कैसे थे, इंडिया हमेशा स्ट्रॉन्ग था, हमें पता था, और अच्छा इंडिया इस वर्ल्ड कप में आया है, वो अपने होम ग्राउंड में खेले, वो बहुत यूजफुल थे, तो बैट तो नहीं लगाई थी, हमें पहले पता पाकिस्तान ने हार जाना, वही हुआ। मतलब पाकिस्तानियों को पहले से पता था कि पाकिस्तान हारेगा?
हम चांस पे थे। देखिए वो एक सेट टीम लेके चल रहे हैं हम लोग, आपकी टोटल मैनेजमेंट फ्रॉम पीसीबी चेयरमैन टू आपका बैट्समैन, आपके ओपनर चेंज पे चेंज हो रहे हैं। आपका कोई आपका रिटायर्ड हर्ट हो गया नसीम शाह, वो जख्मी हो गया, तो चीज़ें ऑलरेडी स्टार्टिंग हो गई थी कि ख़राब हो रही हैं। और इससे ये लग रहा था कि शायद वार्म अप मैचेस में हारते गए, श्रीलंका का मैच ठीक है जीत के परफॉर्म करी लेकिन बड़ी मुश्किल से, तो इंडिया से इतनी स्ट्रॉन्ग थी मैच, हमें यही था कि हार ही जाएगी। तो इंडिया की इस जीत पर क्या कहेंगे? इंडिया तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप फाइनल में नज़र आ रहा है। एक तो उनका होम ग्राउंड है, वो बहुत यूज टू हैं अपने होम ग्राउंड में खेलने के, क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं 7 से 8 महीना, तो उनको अपनी पिचेस का पता है हमने कैसे करना है। तो इंडिया ओवरऑल देखिए विराट इज़ इन फॉर्म, आपका के आर राहुल इज़ इन फॉर्म, तो वो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं।